हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं अभी तुरंत सो के उठी हूँ। उठने के साथ में कपड़ा बाल में रखा तो वो उतारना है। अभी उसके पापा आए हैं अभी दुकान से खाना खाने के लिए, मतलब वो खाना खाएंगे। मेरे यहाँ मैंने आपको बताया बहुत बार कि लेट से ही खाना होता है, क्योंकि उनका दुकान का जब काम हो जाता है उसके बाद ही ये खाना खाते हैं। मेरा होता, मन होता तो मैं खा लेती हूँ। जैसे नाश्ता लेट से होता तो नहीं खाती हूँ। कभी कभार जैसे मन लायक खाना बनता तो मैं अभी खा लेती हूँ, इसी समय खाती हूँ। पीयूष लक्की जब स्कूल से आते तब तो इनका मतलब 3 बजे आने के बाद 3:30 बजे सबका साथ हो जाता है, पर आज घर में थे तो दोनों ने खा लिया। अभी पीयूष लक्की को मैं डांट भी रही थी, क्या कि ऐसे तो मैं 3 बजे जैसे पीयूष लक्की स्कूल मतलब लाने के लिए जाते तो उठती हूँ, तो उस समय कपड़ा उतार देती हूँ। 3 बजे तक मेरे यहाँ धूप रहता है। अभी धूप गायब हो गया तो दोबारा से कपड़ा ठंडा ठंडा हो गया, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा सूखा है कौन सा गीला है। तो सब कपड़ा को ऐसे इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। थोड़ा मतलब कि जैसे धूप गायब हुआ ओस गिरना शुरू हो जाता है, तो कपड़ा पूरा सीमा सीमा हो जाता है। ऐसे पहले जैसे धूप में हल्का धूप में उतार लेती हूँ तो पता चलता है कि ये सूखा ये गीला है। अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है। तो मैं भी उसको बोल रही थी कि मतलब कि मैं नहीं उठी हूँ तो उसने उतारा नहीं, ऐसे उतार लेता है, आज नहीं उतारा है क्योंकि दिमाग से निकल गया होगा, नहीं तो पीयूष लक्की कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है जो मैं सोई रहती हूँ घर में रहता तो वो उतार के अंदर रख देता है, आज नहीं रखा है। कपड़ा भी फिर खूब सारा था, तब इसको रखने का भी जगह सोचना पड़ता कि कहाँ रखूँ, क्योंकि रस्सी तो मैंने खोल दिया है। बरामदा में जो पहले रस्सी रखती थी वो खोल दिया, नहीं तो वहीं ले जाके डाल देती, अभी मैंने वहाँ से हटा दिया है। गुनो गुनी 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 अभी 5:15 हो रहा है, अंधेरा पूरा हो चुका है। 4 बजे मैं सो के उठी हूँ। आज बहुत दिन बाद मैं दिन में सो रही हूँ। आप सब बोलेंगे कि रोज तो बहुत दिन बाद हर काम हो रहा है। सही बात है, बहुत दिन बाद ही मेरा सब काम हो रहा है। कब मैं दिन पहले मैं दिन में रोज सोती थी, इन दिनों मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया अपने रोज को। सबसे पहले उठने के बाद भी उसके पापा ने खाना खाया है, तो मेरा मन था 2 चम्मच मैंने भी खा लिया है। इसके बाद मैं बना लू चाय, क्योंकि ठंड के समय में चाय तो अमृत है। दूध मेरा निकल चुका है, तो दूध गर्म चढ़ा दिया, उसके बाद मैं लगी काम में। कम करना देगा, दूध तो निकल गया। पहले भी उसके पापा अदरक वाला चाय नहीं पीते थे, आप पी लेते हैं। तो मैं मतलब कि जब भी बनाती हूँ चाय, आजकल 3 बार बनता, पहले तो 2 बार बनता था, तो 3 बार बनता है, अदरक डाल देती हूँ क्योंकि वो पी लेते हैं, इसलिए नहीं तो फिर मैं इलायची वाला पीना पड़ता था। ठंड में अदरक वाला चाय अच्छा लगता है। मेरा जुकाम है, दिन में थोड़ा ठीक ठीक लगता है, शाम के समय है ज़्यादा खांसी आना शुरू हो जाता है, ज़्यादा लगता है। दिन में जब काम करती हूँ तो नहीं लगता है, शाम के समय ज़्यादा लगता है। आज संडे का दिन है, सुबह से हम लोग शुरू किए हैं क्योंकि बहुत सारा काम था, इसीलिए आज मैं कुछ बनाने वाली भी हूँ। सोच तो दिन दिन चल रही थी पर आज बनेगा। कल रात में मैंने मटर भी बो दिया था। मटर का चाट बनाऊंगी तो नॉर्मल चीज़ें, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, पर बहुत कम बनता है मेरे यहाँ, बहुत कम बनता है। पिछले बार ठंड में बना होगा मेरे ख्याल से, जो मैं अभी बनाऊंगी। मोटा वाला जैकेट मैंने पहन भी लिया है क्योंकि मुझे ठंडा ज़्यादा लगता है। हालांकि जब किचन में मैं काम करने में लगूंगी मुझे निकालना पड़ेगा, ये बाहर निकला हुआ था इसलिए मैंने पहन लिया। स्वेटर बाहर निकला हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा, ये बाहर निकला हुआ था इसलिए मैंने पहन लिया है। पीयूष लग के अभी ट्यूशन कर रहा है, शाम का पूजा हो गया है, उसके बाद वो ट्यूशन करने के लिए बैठा हुआ है। और मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि दीदी भी आई हुई है और रुचि भी आई हुई है, उसके पापा को दे दूँगी अपना चीज़ें। ठंड का मौसम वैसे भी मेरा फेवरेट मौसम है, हालांकि जो कनकनी वाला जो ठंडा होता है, 2-2 स्वेटर पहनने वाला, वो अभी भी नहीं हुआ है। सुबह के समय ओस होता है पर टाइम से धूप भी आ जाता है, जैसे 8 बजते से धूप आ जाता है, एक पूरा दिन धूप नहीं है वो दिन। हालांकि आज मेरे यहाँ ना तो कपड़ा ठीक से सूखा है, ना आंगन सूखा है। कपड़ा का तो क्या, अंदर डालूँ तो फिर भी हो जाएगा, एक बार धूप में और हल्का सा डालूँ तो, पर आंगन ही सूखा है। जब आंगन नहीं सूखता तो काई काई हो जाता है, वो तो आपने देख लिया, मैंने आपको दिखाया भी था। चाय बन जाता है, मैं अपना उत्तर देर में मटर उबलने के लिए चढ़ा दूँगी तो जल्दी काम हो जाएगा। संडे का दिन है, संडे का दिन इसीलिए बन जाता है किसी को मेरा घर में रहता है उनके लिए भी हो जाता है, उनको ये सब चीज़ का शौकीन रहता है। सबका प्लानिंग था कि आज के संडे के दिन बनेगा, नहीं तो मेरा परसों ही बन जाता, परसों से मटर आके रखा हुआ था। मतलब कि चाट के लिए अलग मटर आता, दुकान वाला मटर का मैं यूज कम करती हूँ। चाट के लिए जो सूखा वाला मटर है उसको मैंने भिगो देता कल सुबह ही, तो मटर
चाट बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी तो आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, साधारण सा बनाऊंगी। ऐसे भी मेरे यहाँ बहुत दिन से चटक मटक ही चल रहा है, पर यह सबका मन था इसलिए मैंने बना लिया। मटर उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया है, जितना देर में मटर होगा उतने देर में अपना एक्स्ट्रा का जो काम है वो कर लूँगी। सबसे पहले तो बर्तन लगाने का काम है, वही कर लूँगी। इसके बाद जैसे तैयारी करके रखना है, चटनी बनाना है धनिया पत्ती का, वो तो आंटी जी बना देगी, क्योंकि वो मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो आंटी जी बना देगी। आंटी जी बोले थी मैं बना दूँगी। उसके बाद यही तैयारी करना है चाट का, तो वो कर लूँगी। तैयारी मेरा हो चुका है, सब चीज़ पूरा रेडी कर दिया मैंने, जो तो लगेगा। आइडिया कुछ नहीं था, दिखाऊँ आपको तो टमाटर है, प्याज है, चटनी है मीठा वाला, और दही है। दही को फेंटना बाकी है अभी, क्योंकि मेरा दुकान का दही जो है टाइट ज़्यादा होता है। हरी मिर्ची है, नींबू है, हरी मिर्ची नींबू अलग इसीलिए रखा है कि सबको नींबू नहीं खाएगा। सबसे पहले आंटी जी ने खाया कि मुझे खट्टा कम पसंद है, तो दही डाल देंगे, और दही को मैंने फेंटा नहीं है। उसको फेंटना जरूरी देखिए, दिखाती हूँ आपको। मेरा दुकान का दही बहुत ज़्यादा ये होता है, गाढ़ा होता है। हालांकि मीठा चटनी है तो इसमें मैंने चीनी नहीं डाला है, पीयूष बोला था चीनी डालने के लिए, पर चीनी मैंने इसमें डाला नहीं है। दही में हल्का सा पानी डालना था तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। बाहर में काम हो रहा है, उसका आवाज़ आ रही है। मटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद बनाया तो थोड़ा सा आइडिया कम था मुझे कैसा बनेगा, वो तो खाने के बाद बता देती हूँ। मटर में मैंने नमक और ये हल्दी डाला था हल्का सा। हो गया आराम से, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी, अलग अलग पूरा एक साथ नहीं बनाऊंगी। कुकर को बंद कर दिया कि ठंडा नहीं। यहाँ पापड़ी भी मैंने अभी नहीं बनाए, वो भी बना हुआ था, तो वो भी मेरा काम आ जाएगा। ज़्यादातर तो मतलब कि तैयारी ये किया हुआ है, केवल चटनी ये सब बनाना ज़रूरी था, और तो सब किया हुआ ये है। मसाला सब मसाला घर में मिल ही जाता है, हालांकि चाट मसाला मैं घर में कम रखती हूँ, तो वो मैंने मंगवा लिया अभी, तो वही सब मसाला सूखा है जो मैं अभी डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा तो पहले मिक्स करने में डाल दूँगी, थोड़ा फिर ऊपर से डाल दूँगी। यही है, नमक मिर्ची डाल दिया, नमक मैंने काला वाला डाला, क्या सफ़ेद वाला मैंने ऐसे डाल दिया था। उसके बाद चटनी है, और हरा वाला चटनी है, धनिया पत्ती का चटनी है, दही हल्का सा डाल दिया है, धनिया पत्ती को मैंने काट लिया है महीन महीन, वो भी ऊपर से डाल दूँगी, पापड़ी भी ऊपर से डालूँगी। सूखा वाला मसाला है जो अंदर मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बॉईल करते समय ज़्यादा मसाला मिक्स नहीं किया था, छोंक मैंने लगाया नहीं। बहुत है कि छोंक भी लगा देते हैं, पर मैंने छोंक नहीं लगाया है। प्याज भी कच्चा ही ऊपर से डाल दूँगी मैं,
हरी मिर्च भी काट लिया है, तो मतलब जिसको ज़रूरी लगेगा उसके लिए डाल दूँगी, बच्चों को नहीं डाल के दूँगी। वैसे तो आंटी जी भी कम मतलब मिर्ची का खाती है, इसलिए मैं हरी मिर्ची कम ही डालूँगी। लाल मिर्ची भी इसमें कम ही डाला है मैंने, हल्का सा ऊपर से डालने पर अच्छा लगता है। मसाला मिक्स करने के बाद मैंने प्लेट में डाल लिया है। ये दो जन के लिए हो जाएगा, आंटी जी अंकल जी दोनों खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाया जाता है। देखने में लगता है कि कितना खा लेंगे पर ज़्यादा नहीं खाया जाता है। सबसे पहले मैंने मीठी चटनी डाला है, उसके बाद दही डाला है। दही में पानी मिक्स करने के बाद भी अभी गाढ़ा लग रहा है दही। उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सब चीज़ डाल रही हूँ, जैसे प्याज हुआ, टमाटर हुआ, यही सब ऊपर से डाल दूँगी। बस सूखा मसाला मैंने मिक्स कर लिया है, तो ऊपर से ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें कम ही डालना है, ज़्यादा मसाला नहीं खाना है। ज़्यादा मसाला के लिए जैसे भी उसके पापा का हुआ, मेरा हुआ, वो डाल दूँगी। अब पापड़ी को पहले डालना था, तो पहले डालना मैं भूल गई हूँ। पहले नीचे पापड़ी डालने के बाद चाट इसमें डालती, पर पहले डालना भूल गई, तो मैं ऊपर से डाल दूँगी। बहुत दिन से सबका मन हो रहा था खाने का, तो आज जाके मौका मिला है। क्योंकि संडे के दिन वैसे भी मतलब कि कुछ अलग होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को भी रहता है, फिर से मैं अभी घर में रहते हैं तो थोड़ा सा बना लेते, तो सबको मतलब कि हो जाता है। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, सुबह सुबह तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। मेरा जब भी मैं बनाती हूँ कुछ अलग से, तो वो शाम में होता है, सुबह नहीं होता है। सुबह तो सबके साथ यही होता होगा मेरे ख्याल से। सुबह एक तो होता है कि दिन छोटा होता तो पता ही नहीं चलता है, दोपहर के 12 एक तो कब के बजाते पता ही नहीं चलता है। और शाम में अपना आराम से टाइम मिलता है, तो शाम में अपना आराम से बना लो। हालांकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, यही 6 बजे तो मैंने बॉयल करने के लिए मटर चढ़ाया था। अभी 7:30-8 का टाइम है जब मैं प्लेट लगा रही हूँ। उसके बीच में मैंने तैयारी भी किया है, बैठ भी गई थी, ये नहीं लगातार मैं काम में लगी हुई हूँ। बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो गया है, तो ऊपर से थोड़ा सा दाल मोट है वो डाल दूँगी, और भुजिया डाल दूँगी, तो उसे और अच्छा लगेगा खाने में। क्या ठंड के मौसम में ये सब खा सकते हैं, गर्मी में उतना नहीं खाया जाता है, बनाया भी नहीं जाता, खाया भी नहीं जाता है। अब किचन में काम करने में भी मन लगता है, गर्मी में उतना नहीं लगता है जितना ठंड में अच्छा लगता है। भुजिया भी डाल दे, पहले दाल मोट डाल दिया थोड़ा सा मैंने, फिर भुजिया डाल दिया है। क्या सब कोई दाल मोट नहीं खाएँगे, पीयूष लक्की को भी कम पसंद है, मतलब दाल मोट खा लेते, उसमें जो ये आता है मूँगफली जो आता है वो नहीं खाते हैं, इसलिए सब मैं नहीं डालूंगी। इसलिए मैं अलग अलग बना भी रही हूँ। लक्की है दही भी नहीं खाते हैं, उसके चाचा भी दही नहीं खाते हैं, तो अलग अलग बना के दूंगी। जिसको दही खाना है उसको डाल दूंगी, जिसको नहीं खाना है आप सभी आइए, प्लेट लग चुका है, खा लीजिए। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाला, इसलिए सफ़ेद सफ़ेद लग भी रहा है। इसके बाद सबके लिए मैंने प्लेट लगा दिया है, यहाँ चाचा जी का प्लेट है और पीयूष लक्की का भी लगा दिया, पीयूष के पापा का मेरा बाद में लगाएंगे। आप सबको सिर्फ हम भैया पूछ रहे हैं, आप सब भी आइए खा लीजिए। अब पीयूष लक्की का मैंने कटोरा में इसीलिए लगाया क्योंकि इनको कटोरा में खाना पसंद है, प्लेट में खाया नहीं जाता इनसे, इसीलिए कटोरा में लगा दिया है। अभी 8:30 बज रहा है, हम सबका खाना पीना हो चुका है, क्योंकि चाट बनाता तो सबने खा लिया है, लेट से बना भी है। मैंने 7:30-8 में आंटी जी को दिया है बना के, आंटी जी अंकल जी को, फिर धीरे धीरे सबको बनाते मतलब कि बनाते गए, सबको खाते गए, सबने खा भी लिया है, अच्छा लगा भी क्योंकि बहुत दिन बाद खाया है। हालांकि सच बताऊँ तो मेहनत उतना ज़्यादा नहीं लगा, जैसे छोला का चाट बनाते उससे ज़्यादा ये वाला अच्छा भी लगा खाने में, भी मेहनत भी कम लगा है, काम भी जल्दी कंप्लीट हो गया है। आज मटर को मैंने पूरा इसीलिए नहीं किया कि मटर जो बॉयल किया वो मटर वो रख दिया, तो सुबह सब्जी में काम में आ सकता है, ऐसे भी कोई मतलब काम आ जाएगा। पूरा एक साथ मैंने मिक्स नहीं किया था, जिसको जैसे खाना था उसी हिसाब से मैंने मिक्स कर लिया। मेरा जुकाम का दिन में ठीक रहता, इस समय जैसे सोते समय है ना, सांस लेने में उतना ज़्यादा दिक्कत रहता है, कंठ पूरा खांसी से कंठ में दर्द हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि दवाई नहीं लूँ वही ठीक है, तो ज़्यादा होता तो फिर दवाई लेना ही पड़ता है। अंगूठा का दर्द भी मेरा 3 दिन से आज हल्का कम हुआ है, दवाई मैंने नहीं लिया है। दर्द का दवाई मेरा ज़्यादा लेती हूँ मैं, जब लेकिन सर में दर्द होता तभी लेती हूँ। हालांकि यहाँ देखिए कपड़ा का मार्केट अभी लगा हुआ है, इसको समेटना नहीं है, जो सूख गया है उसको थोड़ा सा अलग कर करके कुर्सी पर रख दूँगी, सूखा भी नहीं है, पूरा सीमा सीमा है। हालांकि अगर इसको मैं 3 बजे उतारती ना, तो कोई कोई कपड़ा सूखा निकल भी जाता, पूरा गिल्ला है। रस्सी जो बरामदा में था वो मैंने खोल दिया कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब ठंड में मुझे दोबारा से लगाना ही पड़ेगा। ताकि यहाँ कुर्सी पर रख के छोड़ देती हूँ, उसके बाद जो होता है मैं है ना फिर धूप में डाल दूँगी। स्कूल ड्रेस का है तो वो बाहर मतलब कि उस रूम में उस पर डाल दूँगी, तो वो वैसे तो सूखा। लक्की अपना स्कूल ड्रेस लेके जाओ तो बाबू, क्योंकि सुबह इनको चाहिएगा स्कूल ड्रेस, वहाँ ले जाके रख दो, सुबह चाहिएगा तो देखना नहीं पड़ेगा, इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। कपड़ा का ही एक दिन में तो होता ही नहीं है, कल जैसे सूखेगा उसी हिसाब से समेट के रख देंगे। जाओ तो सोना, इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।